हेलो फ्रेंड्स, ये आपको मैं अपने कड़ी पत्ते का दिखा रही हूँ कि देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। और ये मेरी तुलसी है और ये भी मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, इसकी छोटी छोटी सी ग्रोथ निकल आई है, ये देखिए। और यहाँ आपको दिख रही होगी, मुझे तो थोड़ा सा छाया लग रही इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखो, और ये प्लांट आप मेरा एलोवेरा देख सकते हो, इसमें अभी भी एक छोटी छोटी सी आ रही है और ये भी जस्ट अभी अभी आई है, ये बहुत जल्दी ग्रोथ की है इसने। और इसको भी देखो, और यहाँ भी। ये ग्रोथ कैसे आई है, इसके लिए मैंने एक पानी बनाया था बचे हुए छिलकों का, और पपीते के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, क्योंकि केले में फास्फोरस होता है। मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी मैंने इसमें क्या डाला था। नमस्कार, आज मैं आपको एक अच्छा सा टिप देने वाली हूँ। आज कोई रेसिपी नहीं देने वाली, ये मैंने चने की दाल भिगो के रखी है रात भर से, और साथ में मैंने जो पपीता खाते हैं हम लोग, जो कोई भी फ्रूट खाते हैं, तो पपीते के छिलकों को भी मैंने पानी में भिगो के रख देती हूँ एक दो दिन के लिए। ये बहुत अच्छी तरह से इसका इसका पानी जो है बहुत ही हेल्दी हो जाता है, और उस पानी को हम प्लांट्स में डालेंगे। और ये है साथ में बॉटल में मैंने केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके पानी में भिगो के रखा है साफ पानी में। और इसका भी जो होता है, इसमें बहुत सारा फास्फोरस नाम की चीज होती है जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। जितने भी विटामिन फ्रूट्स में होते हैं वो सब पानी में आ जाते हैं, और छिलकों में तो सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं जो कि हम नहीं खाते हैं, और दालों में भी बहुत प्रोटीन होता है। तो मैं क्या करूंगी, इस दाल के पानी को अच्छे से हिला करके इसमें छान लूंगी। देखो जितना भी व्हाइट व्हाइट निकला है, ये सारे दाल के प्रोटीन्स विटामिन्स हैं। और अब इसमें हम पपीते का पानी भी छान लेंगे। आप इसे पहले अच्छी तरह से मसल लेना, मैं इसको एक बार और मसलूंगी और फिर डालूंगी। और इसी तरह से हम, मैं खोलती हूँ, इसी तरह से हम ये जो केले का पानी है ना, केले के छिलकों का पानी, इसे भी डाल लेंगे। और सारा पानी इकट्ठा करके हम अपने प्लांट्स में डाल लेंगे। और ये हमें हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर डालना होता है, ताकि हमारे पौधों को अच्छा फर्टिलाइजर मिले। और मेरे पौधे तो वैसे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैंने छोटा सा कड़ी पत्ता लगाया था, बहुत अच्छा हो गया। इसे हम तुलसी में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फ्रूट्स जूठे बूठे जैसे भी होते हैं मतलब कि, तो तुलसी में नहीं डालेंगे इसको, क्योंकि अनाज का पानी भी तुलसी में नहीं जाता है। ये देखो मेरा इतना पानी रेडी हो गया है, और मैं सारे जैसे फर्टिलाइजर डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो ऐसे ही मैं डालूंगी। और इनको एक ध्यान रखना कि पत्तों के ऊपर पानी ना डालें, सिर्फ मिट्टी में, खाद में पानी डालें, जमीन में जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर ही पानी डालें। क्योंकि पत्तों पर अगर पानी डालेंगे तो फिर उसमें कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, चींटियां वगैरह लग जाएंगी। तो हम जब मिट्टी में पानी डालेंगे तो उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद, यहाँ जैसे सुबह डाल दिया हमने ये, और शाम को फिर हम सादा पानी डाल देते हैं, तो इतनी इतनी चींटियां नहीं लगती हैं, तो पत्तों में मक्खियां वगैरह भी आ सकती हैं। तो आपको ये मेरी टिप कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।